सर्दी का मौसम शुरू होते ही गंदे पानी में पनपे डेंगू के मच्छर अब लोगों को डंक मारने लगे हैं। इसकी चपेट में आकर प्रतिदिन मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। पिछले साल जहां दादरी जिले में डेंगू के समय के दौरान 209 केस थे, वहीं अब की बार इस समय डेंगू के 598 केस सामने आने पर डेंगू का प्रकोप चरम पर है। प्रदेश भर में डेंगू केस के मामले में दादरी जिला नंबर 1 पर पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू रोकने के लिए जहां 422 टीमें बनाकर फील्ड में उतारी है, वहीं अब तक डेंगू से 6 की मौत होने पर विभाग के दावे असफल साबित हो रहे हैं। इधर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर गौरव भारद्वाज का कहना है कि भले ही डेंगू के मामले ज्यादा आए हों, फिर भी स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है, लेकिन लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। डेंगू अब एरिया में कंट्रोल होता जा रहा है, लेकिन इसमें भी अभी थोड़ा जागरूक रहने की, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इस टाइम पे डेंगू का जो लावा है, घरों में स्टोर्ड पानी जो है, जमा किया हुआ पानी है पीने के लिए या बाकी काम के लिए, उसमें पाया जा रहा है। तो सभी लोगों से यही अपील है कि अपने घर में पानी ज़्यादा देर तक स्टोर करके ना रखें, उसका नवीनीकरण करते रहें, और जो आपने स्टोर भी किया हुआ है उसको ढककर रखें। उसके अलावा साफ कपड़े से या जाली से उसकी सतह को छान लें ताकि लार्वा वहाँ से निकल आए। हमारी टीम जाती है, टेमीफॉस अगर डालने का वो उचित समझते हैं तो उनको स्टोर्ड वाटर में टेमीफॉस डालने दें, उससे कोई नुकसान नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम प्रयासों के बाद भी डेंगू के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग गंभीर है। जिन इलाकों में डेंगू के केसेस ज्यादा हैं, वहां निगरानी बरती जा रही है और लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।